Hello, welcome to Learn Pakistan. Today's our topic is distinction between similar sentences. अब इनमें क्या होगा? Sentences similar होंगे लेकिन उनके meanings different होंगे. जैसे अब उन्होंने पहला sentence आपको दिया है, हम करेंगे exercise one. Only the chairman objected to the proposal to build more houses. Only the chairman, सिर्फ chairman यहाँ ऑब्जेक्शन कर रहा है अबाउट द प्रपोजल अबाउट द बिल्डिंग ऑफ हाउसेस. लेकिन नीचे वाला जो सेंटेंस है उसमें द चेयरमैन ऑब्जेक्टेड ओनली टू द प्रपोजल, इसका मतलब है बहुत से प्रपोजल चेयरमैन के सामने प्रेजेंट किए गए होंगे लेकिन उसमें से जो चेयरपर्सन है या सॉरी चेयरमैन वो सिर्फ एक ये जो टू द प्रपोजल कोई पर्टिकुलर प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा है उस पर ऑब्जेक्ट कर रहा है. नीचे वाला जो सेंटेंस है सेंटेंस टू में ये है कि क्लियरली द पर्सन डिडंट अंडरस्टैंड द लीगल डॉक्यूमेंट एट ऑल. क्लियरली बात बिल्कुल वाजह है कि आदमी को डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स की समझ नहीं आ रही. नीचे वाला सेंटेंस में ये है कि उसको समझ आ रही है लेकिन उसको बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली नहीं आ रही. ऊपर वाले में उसको बिल्कुल ही नहीं आ रही सेंटेंस में, लेकिन नीचे वाले में लीगल डॉक्यूमेंट्स की उसको समझ आ रही है लेकिन उसको क्लियरली नहीं आ रही. उसके बाद है तीसरा सेंटेंस, दे लुक्ड एडमायरिंगली एट द पोर्ट्रेट ऑफ होलबिन. अब होलबिन ने जो होलबिन का जो पोर्ट्रेट है जो उसकी जो उसका उसकी कोई पेंटिंग है होलबिन की जो बनी हुई है उसको लोग बड़े एडमायरिंगली देख रहे हैं. लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में होलबिन ने कोई बनाई है पेंटिंग और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, उसको एडमायरिंगली देख रहे हैं. उसके अलावा क्या है ये नीचे वाला जो सेंटेंस है, ही सेड ही वुड लाइक टू गो टू द थिएटर. इस सेंटेंस में ये पहले सेंटेंस में ये है कि वो थिएटर जाना पसंद करेगा लेकिन उसके पास पैसे नहीं है. तो नीचे वाले सेंटेंस में ये है कि वो थिएटर जाना पसंद करता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं है. नीचे वाले सेंटेंस में ही एडमिटेड द इवन द टैक्स वॉज अनफेयर. वो कहता है कि इधर वो देख रहा है कि टैक्स क्या है, अनफेयर है. ठीक है, ही एडमिटेड दैट द टैक्स वॉज. अब ये दोनों सेंटेंसेस सेम है लेकिन इनके टोन में डिफरेंस आ रहा है. पहले में वो कंपैरिजन के सेंस में ले रहा है कि कोई दो चीज़ें देख रहा है और वो कह रहा है कि उन पे जो टैक्स है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या करेगा, वो फिर भी पे कर देगा. लेकिन वो कहेगा कि ये टैक्स अनफेयर है लेकिन फिर भी पे करेगा. नीचे वाले में तो वो नॉर्मली क्या कर रहा है, नॉर्मली एडमिट कर रहा है कि टैक्स क्या है, अनफेयर है. I haven't seen him this morning. मैंने उसे इस सुबह से नहीं देखा. तो कोई क्या तुमने उसे देखा है. फिर अगला जो सेंटेंस है वो कह रहा है मैंने उसे सुबह से नहीं देखा था, क्या तुमने उसे देखा. तो इस सेंस में प्रेजेंट पास्ट के सेंस में उनमें डिफरेंस आएगा. फिर अगला जो है हमारे पास लास्ट वन, वो कहता है ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज कॉल्ड सो क्विकली दैट ही डिडंट नीड टू गो टू विजिट डॉक्टर. वो कहता है कि वो इतनी जल्दी उसकी जो ठंड उसे लगी थी उससे वो इतना जल्दी रिकवर हो गया कि उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी. नीचे वो कह रहा है कि वो इतनी जल्दी उसने रिकवर किया कि उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. इस तरह करके ये सेंटेंसेस की सेंस बनेंगे. ये वीडियो हमने किसी के कहने पर रिकॉर्ड की है. बाकी अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई जो विषय जिस पर वीडियो बनाई जानी चाहिए तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं. चैनल को लाइक करें, सब शेयर करें. Thank you for watching. Stay connected. Take care.